नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज फिर हम आए हैं सुखतबा ब्रिज पे। आज हम ऊपर आए दोस्तों, जहाँ पे पहले ब्रिज था जो पुराने वाला एग्जिस्टिंग का, तो ये देख सकते हैं जो ब्रिज गिरा था। आपको एक बार फिर से इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना डाउन, वो जो ट्रेलर था वो इसके साथ जाके नीचे पड़ा था, वो यहाँ पर पड़ा था वो ट्रेलर जो आप देख सकते हैं सामने खड़ा है। जो ये तो अभी नया वाला आया एक इनका, वो है वो जो लोड हुआ हुआ है, वो एक ट्रेलर है इनका जो यहाँ से नीचे नदी में जा गिरा था इस ट्रांसफार्मर के साथ में। अब ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरा लोडिंग पॉइंट पे जा चुका है। अभी बस क्रेनें आने बाकी है, क्रेनें आ जाएंगी जैसे ही लोड हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अब ये बोल रहे शायद दो दिन और लग जाएंगे ट्रेन अपना क्रेनें आने में, क्योंकि बहुत ही हैवी क्रेन लाना पड़ेगा इसलिए। 260 टन वेट बताया जा रहा है इसका, तो 260 टन अगर वेट है तो 200 टन की अभी क्रेन है जो वो मंगवानी पड़ेगी, जो इसका वेट बैलेंस करेगी और लोड होएगा। दोस्तों हम ब्रिज के ऊपर से, जो पुराने वाला ब्रिज है उसके ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। ये देख सकते हैं अपना अवार्डमेंट का भी तीसरा लिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, और P1 का राफ्टी हुआ है सिर्फ, इसका अभी कुछ नहीं हुआ है। और ये लेकिन ये जो अपना P2 है इसका तो पूरा कंप्लीट हो चुका है लिफ्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये साइड से अपना अबाउटमेंट का, इसका भी लगभग एक लिफ्ट और आएगा उसके बाद ये भी कंप्लीट है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, वो साइड में मशीन लगा है पूरे अपना मिडन वॉल का, वो कंप्लीट करना वहाँ पे, PCC करना वहाँ पे, उसका लेवल अभी मिल नहीं पाया है। एक साइड का मिल गया दोस्तों, वहाँ दोनों साइड करना पड़ेगा ना अपने को, तो इसलिए दोनों साइड अभी ब्रेकिंग चालू है वहाँ पे। देख सकते हैं आप हमारा ताम झाम पूरा कंपनी का यहाँ पड़ा, और लेबर की शेड इधर लगी है। यहाँ से देखिए व्यू आप, वो इनके पूरे ट्रेलर आ चुके हैं, इस पे लोड होना है। ये तो रहा दोस्तों ऊपर से, अभी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ नीचे पूरा अपना जो हमने डाइवर्शन बनाया था उस पे आ चुका है, जो टेम्परेरी डाइवर्शन बनाया था हमने। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जैकअप हो जाएगा, वो जैकअप करके सीधा लोड हो जाएगा। अब सुनने में आया दोस्तों, और ये बोल रहे हैं क्रेनें आएंगी या जैकअप करके ही लोड करेंगे, कुछ पता नहीं है। अपना जो इनके जैक है इनके पास, उनसे ही ऐसे उठा के लोड करेंगे या फिर क्रेन आएंगी इनको उठाने के लिए, अभी कुछ पक्का नहीं है। तो जैसे ही जो भी मूवमेंट होती है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर अपडेट करेंगे। अब चलता हूँ आपको नीचे लेके आगे। दोस्तों हम नीचे अभी आपको थोड़ा दिखाते हैं अपनों जो बार वेंडिंग मशीन है कैसे वेंड करती है वो। ये देखिए आप कितनी आसानी से दोस्तों ये स्टील वेंड हो जा रहा है। मैं आपको ये देखिए दोस्तों लग गया रॉड। अभी देखो पहले इसके लिए पाइप से या किसी अपना जो गाय रहती है उससे वेंड करना पड़ता। अभी देखो दोस्तों कितनी ही आसानी से ये वेंड हो जा रहा है, और लेबर का काम कितना आसान हो चुका है इन मशीनों की वजह से। कितनी पावरफुल मशीनें हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेजरमेंट उधर लगा रखा है इसका पूरा, उतना ही आगे बढ़ाएंगे और उतना ही ये बेंड कर देंगे, जैसा ही आपको जैसा करना है। सेटलमेंट स्विच दे रखा है इसने पूरा, वो कर देगी वैसा ही। चलो दोस्तों अभी चलते हैं हम नीचे ब्रिज के पास। और लो भाई साहब हम आगे हैं अभी नीचे ट्रांसफार्मर के पास। यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों पूरा बाहर आ चुका है, पीछे के गड्ढर पूरे खाली हो चुके हैं, और ये अपना लगा है पोकलाइन ब्रेकिंग करने हैं। एक साइड का तो अपना जो रिटनिंग वाल का था, इसमें मिडन वाल का था, वो ब्रेकिंग कम्प्लीट हो चुका है। अभी इनका मानना है अभी यहाँ पे जगह तो है ही है, तो दूसरी साइड का भी एक साथ ही कर रहे हैं। चल रही है ब्रेकिंग अपनी, हमारे राणा पाजी है ये, उनका हेल्पर चला रहा है मशीन, अच्छा ऑपरेटर बन गया। अभी 2 साल हो गए हेल्पर ही करते हुए। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप दोस्तों, जो सुखतबा ब्रिज है इसकी प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट रही हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है, सबसे फास्ट इसी की प्रोग्रेस रही है। क्योंकि यहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, उसके चलते इसको
रास्ता है। लीजिए दोस्तों आगे हम अभी ट्रांसफार्मर के पास, ये देख सकते हैं जो हमने पिछला वीडियो डाला था, ये जो गडर है दोस्तों इस पे था, ये पूरा ट्रांसफार्मर सिर्फ आधा ही बाहर आया था, अभी तो पूरा ही बाहर आ चुका है। अभी यहाँ से हो जाएगा ये जैकअप, लोडिंग पॉइंट पे पूरा आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी ये ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है यहाँ पे, बहुत जल्दी लगता है इसके यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये देखिए इसका चैन कॉपी सिस्टम, पूरा लोडिंग पॉइंट पे आ चुका है। लेकिन हाल देखो दोस्तों, गिरने से क्या हो चुकी है इसकी, 16 करोड़ की मशीनरी अब जाके बाहर निकली है दोस्तों। ये देखिए अपने दादा जैक का सिस्टम देखो दोस्तों इनका, ये छोटी सी मोटर है, इसी की सारे इसको ऊपर उठाया जाता है और इसी से ही जैक डाउन किए जाते हैं, इसी से ऊपर किए जाते हैं। दोस्तों ये साइड से पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ था उस दिन जिस दिन हम पहले आए थे, तो अभी इसके चेक निकाले जा रहे हैं, ये चेक को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तो इनको जितना बाहर लाना था ये ला चुके हैं। इसके बाद सीधा लोडिंग होगा यहाँ से, तो देखिए कंडीशन देखो दोस्तों क्या आ चुकी है, कितना बेंड हो चुका है, इतनी हैवी मशीनरी है फिर भी ये वेट ही इतना तो बेंड तो होना ही था दोस्तों। ये देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। दोस्तों अभी चलता हूँ आपको ऊपर ट्रेलर के पास लेके, जिस पे लोड होना है उसका भी बताता हूँ आपको। तो लो भाई हम आगे ऊपर, इनका जो ट्रेलर है जो एक्सेल बोला जाता है जिसको, ये है ट्रेलर जिस पे ये लोड होके जाएगा। तो अभी आप गिन सकते हैं इसके टायर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 छत्तीस, 72 टायर ये साइड में और 72 वो साइड में है। आप देख लो 144 टायर इसको लगे हुए हैं दोस्तों। और इसका और एक खासियत बताऊं दोस्तों, ये देखिए एक नीचे ना लगे, इसको जैक भी दिया हुआ, हर किसी को जैक दिया हुआ है, ये ऐसा ही ऊपर भी उड़ सकता है, ये जैक के सहारे है पूरा। ये देखिए जो जैक लगे ना, ये देखो हर टायर पर ऊपर लगे है, ये जैक से ऊपर उड़ सकता है, ये आप जितना हाइट करना चाह सकते हैं, मान के चलो 1 से 2 फीट हो, ये और ऊपर बढ़ सकता है, हो सकता है ज़्यादा, लेकिन 1 से 2 फीट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता शायद, 1 से 2 फीट ये ज़्यादा हाइट हो सकता है दोस्तों। ये रे इसका 400 HP का वॉल्वो का घोड़ा जो इसको खींच के लेके जाएगा दोस्तों। तो अभी तो नीचे से निकालने के लिए इनको ये दोनों घोड़े लगाने पड़ेंगे, देख सकते जो दूसरा घड़ा है ये, उसके जब रोड पर आ जाएगा ये तो ये आराम से निकल जाएगा, एक ही लेके इसको, वो जो लाया था वो भी एक ही था, 260 टन वेट ये खींचेगा ये घोड़ा। और ये साइड में हुआ जो डैमेज हुआ है, जो अपने ब्रिज क्लैप्स हुआ उसके ऊपर से जो गिरा नीचे नदी में, ये वो घोड़ा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे शेयर करना जरूर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसीलिए हम वीडियो डालते हैं दोस्तों आपको, ताकि जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएँ दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जो हमारी जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।